वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ और आज मेरा रोज़ा नहीं है क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठा था और स्कूल में भी जाना था। मैं फर्स्ट रोजे को स्कूल में गया था तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, तो आज मैं नहीं गया। तो अभी स्कूल से आ चुका हूँ और ये देखिए मैंने यहाँ पर फालूदा ले लिया है, इसको अभी खोलते हैं। सारा इसका मसाला अंदर ही रह गए। तो अभी मैंने मस्त फालूदा भर लिया एक गिलास में। और गाइस ऐसी चीज़ें सिर्फ रमज़ान में ही खाने पीने को मिलती है, ज़्यादातर ज़्यादा रमज़ान में ही मिलती है, वरना बाकी कभी नहीं मिलती, खास करके घर में। तो बाहर वगैरह गए तो पी लेते हैं लेकिन घर में ऐसी चीज़ें सिर्फ रमज़ान में ही मिलती है। और गाइस ये जो फालूदा है ना ये पूरी तरीके से होममेड है। तो अभी गाइस खाना पीना तो हो चुका है, अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं और फिर जाएंगे थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए इधर उधर तक। तो अभी गाइस मैं पढ़ाई कर रहा था और अभी आ चुके स्ट्रॉबेरी। आज तो बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें आ रही है भाई, तो स्ट्रॉबेरी आ चुकी है। वाह, तो ये इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज है इसके अंदर, मुझे तो सिर्फ एक ही लेनी है इसमें से। देखिए कितनी प्यारी लगती है। मैंने कहा था ना रमज़ान की यही खास बात होती है कि रमज़ान में हर एक चीज़ खाने को एक्सपीरियंस करने को मिलती है। तो अभी गाइस यहाँ पर वाटरमेलन भी आ चुका है, अभी फ्रूट्स है आज तो इफ्तारी में। मैं आया हूँ थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ज्वारी के जो भी लकड़ियाँ वगैरह है वो ज्वारी के, तो वो ऐसे इकट्ठा करके रख रहे हैं एकदम मस्त। और वहाँ पर सामने बैल चर रहे हैं और अभी कुछ देर में सनसेट भी होने वाला है। और भाई बैलगाड़ी 2-3 दिनों से यहीं पर है, 2-3 दिनों से नहीं, जब से हमने इसके हार्वेस्टिंग की है तब से लगभग 5-6 दिन हो गए, तो बैलगाड़ी यहीं पर है अभी। वो देख रहा हूँ वहाँ पर जो सामने ज्वारी है वो जो है वो अभी छोटी थी, तो अभी उसकी भी हार्वेस्टिंग करने वाले हैं। उसका अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी उसको निकालना है, फिर उसके भुट्टे निकालना है, फिर उसको इकट्ठा करना है, फिर जाकर उसकी हार्वेस्टिंग होगी। वो तो नहीं दिखा पाऊँगा मैं शायद, लेकिन ये तो दिखा दिया। गाइस मुझे सभी लोग क्या बोल रहे हैं पता है, मैं कल रोज़ा था तो मैं इधर उधर नहीं घूम रहा था, घर में सोया था कूलर के सामने। कल तो वहाँ पर था गांव में, परसों भी रोज़ा था तो कूलर के सामने सो गया था, और आज इतना बाहर घूम रहा हूँ तो सभी लोग बोल रहे अच्छा बेटा घूम ले जितना घूमना है, जब रोज़ा होगा तब तो नहीं घूमेगा, तब तो कूलर के सामने जाकर बैठ जाएगा। और अभी देखिए सब लोग अंदर है, यहाँ पर कोई भी नहीं दिखेगा आपको, बल्कि रिहान और जैद भी रोज़ा नहीं है, आलिया तो आज रोज़ा है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं है क्योंकि धूप ही उतनी तेज़ हो रही है। तो अभी गाइस मैं आ चुका हूँ अपने इस आम के पेड़ के नीचे। ये देखिए यहाँ पर इतनी ज़्यादा छाव है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लगता है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पर ठंडी होती है। और इसको भी आम भी लगने शुरू हो चुके हैं, वो देखिए वहाँ पर एक आम है और किधर है वो मिल गया, वो देखिए वहाँ पर एक है, अभी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इसलिए नहीं दिख रहे। गाइस यहाँ पर मस्त हमारे दादा यहाँ पर सोकर मस्त व्यू एंजॉय करते हैं, और वहाँ से गाड़ियाँ जाती है आती है, सब कुछ दिखता है यहाँ से, पूरा ऑफिस भी दिखता है वहाँ पर सामने से, और यहाँ पर मस्त नींद भी हो जाती है ठंडे में अच्छे। और कोई आम भी चुरा कर नहीं ले जा सकता यहाँ पर अगर कोई रहेगा तो वो तो दिन भर यहीं पर रहते हैं, लेकिन अभी इफ्तारी का टाइम हो चुका है तो वो चले गए इफ्तारी के लिए। ये देखिए गाइस पहले ट्रेडिशनल तरीके से ऐसे पानी भर के रखा जाता था, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है इसके अंदर,
थैली है ये एक, तो इसके अंदर नीचे पानी गिरता है तब जाकर इसके अंदर पानी ठंडा हो जाता है। तो इस ये भी है हमारे पास यहाँ पर जो मजदूर वगैरह काम करते हैं उनके लिए। तो ये देखिए ऐसी थैली होती है, इसको यहाँ तक भरना पड़ेगा तब जाकर इतनी खाली हो जाएगी और ये इतना पानी ठंडा हो जाएगा इसके अंदर लगभग 5 लीटर के करीब। तो अभी गाइस कूलर के अंदर पानी भर रहे। तो अभी गाइस ये देखिए यहाँ पर इफ्तारी की सारी चीज़ें आ चुकी है। देखिए लाइन से पूरी चीज़ें हमने लगा कर रखी है। पहले तो है यहाँ पर ये समोसे और फिर उसके बाद है यहाँ पर ग्रेवी इतनी सारी और यहाँ पर शरबत और एक ग्रेवी फिर से। तो यही है हमारी आज की इफ्तारी और ये है सैलेड उसके साथ और रोटी सालन वगैरह जो कि रोज़ ही रहता है। जो नया था वो तो मैंने आपको दिखा दिया ये सारी चीज़ें। तो अभी गाइस मैं एक तरावी की नमाज़ पढ़कर आ चुका हूँ और अभी मैं खा रहा हूँ स्ट्रॉबेरी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है खट्टी मिट्टी स्ट्रॉबेरी। तो हाँ तो आज का दिन तो ख़त्म हो गया, तो अभी फ़िलहाल तो इस व्लॉग को करता हूँ एंड। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।